सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइन डिटेल में। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की अर्टिगा के बारे में। ये क्यों की फायदे होने वाली, क्योंकि ये सीएनजी के अंदर है और पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे। प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स के साथ आने लगे, साथ ही साथ यहाँ पर अलॉय व्हील आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली के साथ साथ आपकी जेब को बचाने वाली है, यानी कि जेब के पैसे को बचाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज पूरी डिटेल में ये व्हाइट अर्टिगा के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, बाकी बातें तो होते रहेंगी, लेकिन इस चुपती हुई गर्मी में मैं अपनी गाड़ी को कर लेता हूँ फ्रेश, और मैं उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ इन्वॉल कार परफ्यूम को। ये मेरे पास बहुत सारी इसकी रेंज है, जैसे कि स्नोफॉल और फ्रेंच वुड, और बहुत सारी और भी रेंजेस आती हैं, लेकिन ये मेरा जो फ्रेंच वुड है वन ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको लास्ट 50 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के साथ आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये अच्छा क्यों है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3mm की टेप मिल जाती है, जो आपको स्टिकिंग के काम आएगी, और यहाँ पर आपको रेंज मिल जाती है, जिससे आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं इसकी फ्रेगनेंस को। और सिंपली यूज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन करके, यहाँ से ये चीज़ रिमूव करके सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। तो गाइज, मेरी तो गाड़ी हो गई है फ्रेश, और अगर आपको भी करनी है अपनी गाड़ी फ्रेश और विद स्पिल प्रूफ हाई फ्रेगनेंस परफ्यूम, और साथ ही साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम के साथ, तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड है, वहां पर आप क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड यूज करिए फाइंड इट हेयर। उसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने हिसाब से ढेरों वैरायटी के कोई भी कार परफ्यूम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो गाइज, बात करते हैं फ्रंट से। यहाँ पर अर्टिगा की जो फ्रंट लाइट है वो आपको प्रोजेक्टर्स में मिल जाएगी, लो बीम और हाई बीम आपको नॉर्मल हेलोजन में मिलेगी। नीचे की तरफ इसमें कोई फॉग लैंप्स नहीं मिल रहे हैं, और फ्रंट में गाड़ी कुछ इस टाइप से है। थोड़ी सी ग्रिल में चेंजेस किए गए हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी स्मूथ और बढ़िया ग्रिल बना दी गई है। तो फ्रंट से कुछ इस टाइप से है। अब लेफ्ट साइड में टायर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको टायर साइज़ मिलेगा वो होने वाला है आपका R15 का, और अलॉय यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल आपको रिम मिल जाएंगे, वो आप चेंज भी करा सकते हो। और यहाँ पर जो टायर हैं वो आपको नॉर्मली हैं, कोई ब्रिजस्टोन या इस टाइप के टायर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब साइड से चलते हैं। यहाँ पर ORVM में आपको इंडिकेटर्स अलाउ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें रिको सेंसर है वो यहाँ पर नहीं है, रिको सेंसर आपको अवेलेबल नहीं है। पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल टायर R15 के ही मिलेंगे, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से गाड़ी कुछ इस टाइप से लगती है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर Tour M, यानी कि ये बेस मॉडल टैक्सी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायदी होने वाला है। पीछे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर CNG इसमें टैंक लगा हुआ है, जो कि कंपनी फिटेड है, और ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा सामान रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर टूल बॉक्स और वो सारी चीज़ें हैं। ये आ जाती है आपकी 6 और 7 सीटर में। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अच्छा खासा बूट स्पेस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये इको फ्रेंडली, और जो आपको कहते हैं फ्यूल सेविंग भी है। तो गाइज, आ गया हूँ अंदर की तरफ और पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं अर्टिगा की। ये CNG वेरिएंट है, और क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, और ये क्यों किफ़ायदी है, उसके बारे में भी डिटेल बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो चाबी है कुछ इस टाइप की है, नॉर्मल कोई मतलब कीलेस वाली चाबी नहीं है, नॉर्मल लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है इसमें, और यहाँ पर हम इसे लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे ऑन कर दिया, और फ्रंट में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको आपको सारा टैकोमीटर मिलता है, और राइट साइड में आपको मिल जाता है ये स्पीडोमीटर। यहीं पर आपको फ्यूल की वार्निंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बीच में आपको बहुत सारी वार्निंग्स मिलेंगी विद डिजिटल डिस्प्ले, और इधर की तरफ आपको CNG की मिलेंगी। राइट साइड में फ्यूल की है, लेफ्ट साइड में CNG की है। अभी CNG इसमें फुल है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो आपको दिखा देगी। बाकी चीज़ें कहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी पेट्रोल में है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी स्विच करना है, अब यहाँ पर से स्विच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं जोर से, अब ये पेट्रोल में है, और ये ऐसे करके CNG में यहाँ से चेंज हो जाएगी, और ये तभी चेंज होगी जब आप थोड़ा सा चला लेंगे, यानी थोड़ी पेट्रोल में चलेगी, फिर ये चेंज हो जाएगी। CNG और पेट्रोल का रेशियो दोनों आपको दिखा रहा है मोड रेशियो, और यहाँ पर से सारी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, कितनी CNG इसमें बची हुई है वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाएगा, ड्राइविंग डिस्प्ले और वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, टॉर्क पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। CNG का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर की तरफ सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोलर, राइट ड्राइव में कोई क्रूज कंट्रोल नहीं है, बेस वेरियंट आता है, और इधर की तरफ आपको थोड़ा सा मतलब बेस वेरिएंट तो नहीं है, बेस से ऊपर ही है, और यहाँ पर आपको सारे ब्लूटूथ के और कॉल पिकअप के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर कुछ इंफोटेनमेंट मिलता है आपको, चेंज कर दिया गया है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, बैक करूं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट,
अब ये काम नहीं कर रहा। हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ये टच नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें टच में मिल जाएंगी। इसमें कोई एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले नहीं है, नॉर्मल ब्लूटूथ है, वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी नहीं है, मैनुअल एसी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और इधर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। ये सारी चीज़ें होने वाली है, एसी वेंट यहाँ पर हैं। डैशबोर्ड और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना दी गई है, कोई दिक्कत यहाँ से रिगार्डिंग आपको नहीं है। सीटें मैं आपको बता दूँ तो सीटें काफ़ी क्लासी हैं, बैठने में रिलैक्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ फ्यूल सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एवरेज भी इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊँ तो अभी एवरेज इसमें दिखा नहीं रहे, लेकिन ये एवरेज काफ़ी अच्छा आपको दे देगा, कोई इससे रिलेटेड इशू नहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत देर से खड़ी है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट से, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पर अपनी कोई भी ठंडी होने वाली कप या कुछ भी चीज़ें, कैन सब रख सकते हैं। यहाँ पर कूल्ड है, यहाँ से कंट्रोल ये हो सकती है। अगर मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊं, इधर की तरफ 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स विद रिवर्स पार्किंग आप देख सकते हैं, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर यूएसबी एन ऑक्स आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ये मैनुअल है, इससे रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर कोई आपको आर्म रेस्ट अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में। साथ ही साथ यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब चलते हैं पीछे की तरफ और बाकी डिटेल में बात कर लेते हैं। IRVM ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, पूरी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा देगा। तो चलते हैं पीछे की तरफ और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पीछे चल के मैं आपको बता देता हूँ, एक सीट ये है जो कि मैंने अभी फोल्ड करी है, एक सीट वो है। यहाँ पर तीन लोग आसानी से आ सकते हैं और पीछे दो लोग आसानी से आ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा। मैंने इसको उठा दिया है और लाइट भी इसकी ऑन कर देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपको लुक मिल जाएगा। पीछे को चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कोई इससे रिगार्डिंग इशू आपको नज़र नहीं आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, और ये सीट पीछे करने पे भी स्पेस काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे अच्छी बात है ये यहाँ पर CNG में अवेलेबल है, तो पीछे से आपको स्पेस CNG के साथ साथ मिल जाता है, और ये AC वेंट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं, इसमें कोई आपको सनरूफ या ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, और जो इसका अच्छा खासा एवरेज आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाएगा, कोई इससे रिगार्डिंग आपको इशू नहीं होगा। पीछे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कप होल्डर आपको मिल जाता है, AC वेंट यहाँ पर दिए गए हैं जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और लाइट पीछे हेलोजन ही दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पीछे स्पेस मैंने आपको दिखा दिया कितना बचा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो गाइज़ मैंने पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी, और सॉरी फॉर द स्वेटिंग, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में शूट करना पड़ता है आप लोग के लिए, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी गोडाउन के अंदर, उसमें गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को नेगलेक्ट करिएगा। और चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि पूरी अर्टिगा मैंने आपको दिखा दी, CNG वेरिएंट है ये, पूरी नीचे से डिटेल में आपको मैं दिखा रहा हूँ अब, इसके बाद ग्राफिक्स के जरिए और इसके प्राइस भी आपको बता देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी होती है, और ये दो तरीके से काम करती है, एक आपके फैमिली वाइज और दूसरा टैक्सी वाइज, यानी कि जैसे पीली नंबर प्लेट के हिसाब से काम भी करती है, यानी कि लोगों को ले जाने के पैसेंजर व्हीकल भी ये काम आता है, और ऐसा पर्सनल लोग इसको रखते हैं। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। होप्स आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। I'm